दोस्तों आजकल बॉयकॉट चाइना कैंपेन सभी जगह चल रहा है। ऐसे में लोग अपने मोबाइल से चाइनीज एप्लीकेशंस को डिलीट भी कर रहे हैं। इवन मैंने भी लास्ट वीडियो बनाया था इसके ऊपर, किस तरह से हम चाइनीज एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में फाइंड करके आसानी से डिलीट कर सकते हैं। सो गाइज, इन एप्लीकेशंस को हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लंबे वक्त से इनको यूज़ कर रहे हैं। इवन मैं भी यूज़ करता था काफ़ी एप्लीकेशंस को। इनको डिलीट करने के बाद हमारे पास कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे मोस्ट पॉपुलर चाइनीज ऐप्स हैं जिनको हम अपने फ़ोन से यदि डिलीट कर देते हैं तो उनकी जगह पर कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम यूज़ कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव ऐप्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमारी पहली एप्लीकेशन है टिकटॉक, लाइकी और वीगो वीडियो। ये शॉर्ट वीडियोस एप्लीकेशंस हैं जो कि चाइनीज एप्लीकेशंस हैं। इनका हम यूज़ काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लोग शॉर्ट वीडियोस बनाकर इस पर डालते हैं, कुछ लोग एजुकेशनल वीडियोस भी इसी के ऊपर डालते हैं। सो गाइज, यदि आप इनके अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, आप यदि एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर लेते हैं, तो आप यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियो डालिए। इसके अलावा यदि आपको शॉर्ट वीडियोस ही बनानी है, क्योंकि यूट्यूब पर जो है कॉपीराइट भी लग जाता है यदि हम किसी वीडियो के ऊपर बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड साउंड यूज़ करते हैं, तो ऐसे में आप लोग जा सकते हो रोपोसो की तरफ। रोपोसो एक एंड्रॉयड ऐप है जो कि शॉर्ट वीडियो ऐप है, इंडियन ऐप है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कई तरह के वीडियोस फिल्टर भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिमिलर है लाइक टिकटॉक आप, बट इंडियन है तो आप इसका यूज़ करें। इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो शेयर चैट का भी यूज़ कर सकते हैं। शेयर चैट इज़ ऑल्सो लाइक टिकटॉक ऐप, तो आप इसका भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है जूम ऐप। जूम ऐप जो है एक ऑनलाइन मीटिंग एप्लीकेशन है। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए या फिर ऑनलाइन स्टडी के लिए, लोग इससे लाइव क्लासेस भी देते हैं। ऐसे में गाइज, इसका एक ऑप्शन हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इसको डिलीट करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में गाइज, इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं जियो मीटिंग ऐप को, या फिर आप गूगल मीटिंग ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ऐप जो है इसी तरह से यूज़ होते हैं। यदि आपको इनका फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, देन जल्द से जल्द मैं आपको इसकी वीडियो दे दूंगा जिससे आप इनको कम्प्लीटली यूज़ कर पाएंगे। बाकी इसका इंटरफेस बिल्कुल सेम जूम ऐप की तरह है, यदि आपने जूम ऐप यूज़ किया है तो आप आसानी से इनको भी यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज, अब बात करते हैं फाइल ट्रांसफ़र ऐप की। सो गाइज, चाइनीज ऐप्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप है शेयर इट, जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं और इससे हम बड़ी से बड़ी फाइल्स को, मूवीज़ को बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर देते हैं। शेयर इट और जेंडर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस फील्ड में। ऐसे में इन दोनों को डिलीट करने के बाद हमारे पास अल्टरनेटिव होना ज़रूरी है। सो गाइज, इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप यूज़ करें फाइल्स बाय गूगल को। फाइल्स बाय गूगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है, पिछली वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो आप फाइल्स बाय गूगल से जो है बड़ी से बड़ी फाइल्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेम मैकेनिज्म पर काम करता है ये शेयर इट की तरह। इसके अलावा आप चाहें तो जियो ट्रांसफ़र का भी यूज़ कर सकते हैं, यह भी एक शेयर इट की जैसी एप्लीकेशन है जिससे हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूसी ब्राउज़र की। यूसी ब्राउज़र एक बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर चाइनीज़ ऐप है जिसका यूज़ मोस्ट ऑफ लोग करते ही हैं। ऐसे में गाइज, आप लोगों ने कई बार सुना होगा जो यूसी ब्राउज़र है हमारी प्राइवेसी सेटिंग्स को, प्राइवेसी डेटा को कई लोगों को शेयर कर चुका है, लीक कर चुका है, और फिर भी बहुत सारे इंडियंस जो है वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। सो गाइज, इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप यूज़ करें सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और ट्रस्टेबल ऐप को, दैट इज़ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल है, हालांकि गूगल क्रोम जो है वो डेटा ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन फिर भी गूगल क्रोम जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल एप्लीकेशन, आप इसका यूज़ करें। या फिर आप इंडियन एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं जैसे कि जियो ब्राउज़र। जियो ब्राउज़र एक इंडियन एप्लीकेशन है, आप चाहें तो इसका यूज़ भी ब्राउजिंग के लिए कर सकते हैं। सो दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैम स्कैनर जैसी एप्लीकेशंस का यूज़ करना पड़ता होगा, स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स को आपके फ़ोन में सेव रखना है या फिर किसी को सेंड करना है या फिर उसका प्रिंटआउट निकालना है, तो हमारे दिमाग में कैम स्कैनर ही आता है क्योंकि कैम स्कैनर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ऐसे में यदि हम इसे डिलीट कर देते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन होना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप यूज़ कीजिए एडोब स्कैन को। सेम बिल्कुल कैम स्कैनर की तरह काम करता है, इसमें आप हाई रेजोल्यूशंस के डेटा को स्कैन करके, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट लेंस का भी यूज़ कर सकते हैं।
कैम स्कैनर की जगह। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है ब्यूटी प्लस। ब्यूटी प्लस एक चाइनीज ऐप है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इसके जगह यदि आपको कैमरे फिल्टर्स का यूज करते हो अपनी फोटो क्लिक करने में, तो आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह लाइट रूम को या फिर पिक्स आर्ट को। बहुत ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है और इनके अंदर आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं, फोटोज को काफी ज्यादा शानदार बना सकते हैं। सो दोस्तों हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वी चैट। यदि आज भी आप वी चैट यूज करते हैं तो गाइज आज इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए और इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप का। काफी ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है और मोस्ट ऑफ लोग जो है इंडिया में इनका यूज भी करते हैं। सो गाइज यदि आप वी चैट चलाते हैं तो इसको आज ही रिमूव कीजिए और इनकी जगह आप जाइए व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा ऐप है क्लीन मास्टर। डीयू के जितने भी ऐप हैं या फिर क्लीन मास्टर है, ये सारे ऐप जो है वो चाइनीज ऐप है और बहुत ज्यादा हमारे डेटा को लीक भी करते हैं। ऐसे में आप इनको डिलीट करके इनकी जगह यूज कर सकते हैं गूगल का ही फाइल्स बाय गूगल। इससे आप आसानी से जंक फाइल्स को क्लीन करके अपने फोन को काफी ज्यादा फास्ट बना सकते हैं। सो दोस्तों यदि आपको वीडियो एडिटिंग का शौक है और आप मोबाइल से वीडियोज एडिट भी करते हैं, तो ऐसे में आप वीवा वीडियोज का यूज तो करते होंगे। वीवा वीडियो जो है एक चाइनीज एप्लीकेशन है, यदि आप इसे डिलीट कर देते हैं तो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं पावर डायरेक्टर को या फिर काइन मास्टर को, बेटर देन चाइनीज एप्लीकेशन। ये भी बहुत अच्छे से काम करती है, तो आप इनका यूज करें। सो दोस्तों हमारा लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज अ मोस्ट पॉपुलर गेम, वी कॉल दैट पबजी। पबजी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है। स्टार्टिंग में जब पबजी को क्रिएट किया गया था तो ये पबजी की ही कंपनी का क्रिएशन था, लेकिन बाद में जब इसका मोबाइल वर्जन लॉन्च हुआ तो इसको टेंसेंट ने बनाया जो कि चाइनीज़ डेवलपर हैं, इसीलिए ये भी एक चाइनीज़ ऐप है और ज़्यादातर जो है इनकी इनकम जो है इसी से जनरेट होती है। जितने भी ऐप्स चाइनीज़ भारत में यूज़ होते हैं उनसे भी सबसे ज़्यादा जो है इनकम पबजी से यूज़ होती है। अब गाइज इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहें तो यदि आप ऐसा त्याग दे सकते हैं और इस एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं तो आप अपने फ़ोन से इसको आसानी से डिलीट कीजिए। अदरवाइज आप पबजी लवर हैं तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे कोई भी आपको मतलब सजेशन नहीं दे सकता हूँ इसके विषय में, क्योंकि ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है। सो दोस्तों इन एप्लीकेशन को फ़ोन में रखना या ना रखना सब आप पर डिपेंड है। यदि आपको लगता है ये एप्लीकेशंस आपके डेटा को लीक करती हैं तो आप इन एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में ना रखें। इनसे ही मतलब नहीं, आप किसी भी कंट्री के कोई भी ऐप यदि आपके डेटा को लीक करता है तो आप उन एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन से डिलीट करें और उनकी जगह जो सिक्योर एप्लीकेशंस हैं आप उनका यूज़ करें। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो कर दीजिए इसे लाइक, अपने दोस्तों को करिए इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड take care.